Assalamualaikum, hello everyone, how are you? I am Sayyid Nadir Kazmi and you are watching Learn More with Nadir Kazmi. In the previous lessons, we have already discussed noun, pronoun, adjective and verb from the parts of speech. And also in the previous video, we discussed what is an adverb. If you haven't watched those videos, so you can watch those videos from the links given in the description below and also from the I button above. And now in this video, we are going to discuss types of an adverb. So without any delay, let's move to our today's topic. Adverb को define करते हुए हमने पढ़ा था कि adverbs ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी verb, adjective या किसी और adverb को modify करते हैं या describe करते हैं. For example, he plays cleverly, वो चालाकी से खेलता है. अब cleverly एक adverb है क्योंकि ये उसके काम जो वो करता है यानी खेलने का उसके बारे में information दे रहा है. For example, He plays, वो खेलता है, किस तरह? Cleverly, चालाकी से. और दूसरा, she is very beautiful, वो बहुत खूबसूरत है. अब यहाँ पर जो word beautiful है, ये एक adjective है, क्योंकि ये pronoun she के बारे में हमें information दे रहा है, कि वो किस तरह है, कैसी है, beautiful, खूबसूरत. तो ये हमारा adjective है. लेकिन very एक adverb है, जो उस adjective के बारे में हमें ज़्यादा information दे रहा है, कि वो खूबसूरत तो है, लेकिन कितनी? Very beautiful, बहुत खूबसूरत. और तीसरा, they talk too fast, वो बहुत तेज बोलते हैं. अब यहाँ पर जो fast है, ये एक adverb है. क्यों? क्योंकि ये उनके काम जो वो करते हैं बोलने का, उसके बारे में बता रहा है. For example, they talk, वो बोलते हैं, किस तरह? Fast, तेज. और to यहाँ पर एक और adverb है, जो इस adverb fast के बारे में हमें ज़्यादा information दे रहा है. For example, they talk fast, वो तेज बोलते हैं, लेकिन कितना तेज बोलते हैं? Too fast, यानी बहुत तेज. Types of adverb. Types of adverb mainly 5 हैं. Number 1, adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of degree, and number last, adverb of frequency. Now let's define each of them. Number 1, adverb of manner. Adverb of manner हमें ये बताते हैं कि कोई काम कैसे होता है, यानी ये काम के manners के बारे में बताते हैं. It means adverb of manner refer that how does an action happen, यानी ये इशारा करते हैं कि कोई काम कैसे होता है. For example, how does he speak, वो किस तरह बोलता है. He speaks loudly, वो तेज़ बोलता है. अब यहाँ पर जो वर्ड loudly है, ये एक adverb of manner है, क्योंकि ये उसके अंदाज के बारे में बता रहा है, manner के बारे में बता रहा है, कि ये जो काम करता है, यानी बोलने का, वो किस तरह करता है? loudly, यानी तेज़. How does she behave, वो किस तरह बर्ताव करती है? She behaves badly, वो बुरी तरह बर्ताव करती है. अब जो वर्ड badly है, ये भी एक एडवर्ब है, क्योंकि ये उसके मैनर यानी अंदाज के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह बर्ताव करती है. हाउ, कैसे? बैडली, बुरी तरह. हाउ डू दे रन, वो कैसे दौड़ते हैं. दे रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ते हैं. अब जो वर्ड फास्ट है, ये भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये उनके अंदाज यानी मैनर के बारे में हमें बता रहा है कि ये जो काम करते हैं वो किस तरह करते हैं. हाउ, कैसे? फास्ट, तेज. हाउ डू यू सिट इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में कैसे बैठते हो. आई सेट क्वाइटली, मैं खामोशी से बैठता हूँ. अब जो वर्ड क्वाइटली है, ये भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये मेरे अंदाज के बारे में बता रहा है कि मैं किस तरह क्लास में बैठता हूँ, कैसे, यानी जो मैं काम करता हूँ बैठने का, वो कैसे करता हूँ? क्वाइटली, खामोशी से. हाउ डिड ही कम, वो किस तरह आया. ही केम एंग्रली, वो गुस्से में आया. अब वर्ड एंग्रली भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये उसके अंदाज मैनर के बारे में बता रहा है कि वो कैसे आया, किस तरह आया. एंग्रली, गुस्से में. अब इसके बाद जो नंबर सेकंड टाइप है एडवर्ब की, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब ये भी बहुत इजी और सिंपल है. जिस तरह एडवर्ब ऑफ मैनर हमें किसी काम के मैनर के बारे में, अंदाज के बारे में बता रहे थे कि वो कैसे होता है, सिंपली ये हमें किसी जगह के बारे में बताते हैं, यानी कोई काम किस जगह होता है, कहाँ होता है, ये उसके बारे में हमें बताते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है. ही गोज देयर, वो वहाँ जाता है. अब जो वर्ड देयर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. क्यों? क्योंकि ये उसके काम यानी जो करता है उसकी जगह के बारे में बता रहा है, यानी ही गोज, वो जाता है कहाँ. वेयर, देयर, वहाँ.
वहाँ जाता है. वेयर डिड यू कीप माई बैग, आपने मेरा बैग कहाँ रखा. आई केप्ट हेयर, मैंने यहाँ रखा. अब हेयर भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये उसके काम के बारे में बता रहा है, उसकी जगह के बारे में कि उसने कहाँ रखा हेयर, यहाँ. वेयर इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ है. ही इज़ इनसाइड द रूम, वो कमरे के अंदर है. अब इनसाइड भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो वर्ब टू बी इज़, यानी ही इज़ वो है, वो कहाँ है, इनसाइड, उसकी जगह के बारे में बता रहा है, वर्ब टू बी के प्लेस के बारे में, वो कहाँ है. वेयर, इनसाइड द रूम. वेयर डिड शी गो, वो कहाँ गई थी. शी वेंट आउटसाइड, वो बाहर गई थी. अब वर्ड आउटसाइड भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो उसके काम की जगह के बारे में बता रहा है, यानी जो उसने काम किया था जाने का, वो गई थी. कहाँ गई थी, आउटसाइड. वेयर डिड यू जम्प, आपने कहाँ जम्प लगाया था. आई जम्प डाउन, मैंने नीचे जम्प लगाया था. अब डाउन भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्यों, क्योंकि ये मेरे काम जो मैंने किया था, जम्प लगाया था, उसकी जगह के बारे में बता रहा है कि कहाँ लगाया था, डाउन, नीचे. तो आपने देखा कि ये एडवर्ब्स हमें काम, जो वर्ब्स होते हैं, उनकी प्लेस के बारे में बताते हैं कि कोई काम कहाँ होता है, वेयर डज एन एक्शन हैपन, वेरी सिंपल. और नंबर थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी बहुत आसान है. जिस तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें किसी जगह के बारे में बता रहे थे कि कोई काम कहाँ होता है, और इसी तरह ये हमें बताते हैं कि कोई काम किस वक्त होता है, किस समय होता है, किस टाइम में होता है. यानी एडवर्ब ऑफ टाइम रिफर दैट व्हेन डज एन एक्शन हैपन, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं, ये इशारा करते हैं कि कोई काम कब होता है, किस टाइम होता है, किस समय होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी विल प्ले, हम कब खेलेंगे. We will play later, हम बाद में खेलेंगे. अब जो word later है, ये adverb of time है, क्योंकि ये हमारे उस काम के वक्त के बारे में बता रहा है कि वो हम काम कब करेंगे, खेलने का कब करेंगे, later, बाद में. When did he come, वो कब आया था. He came yesterday, वो कल आया था. अब यहाँ पर yesterday एक adverb of time है, क्योंकि ये उस काम के बारे में बता रहा है जो उसने किया था, यानी उसने वो आया था, वो कब आया था, यस्टरडे, कल. व्हेन विल यू गिव मी माई मोबाइल, आप मेरा मोबाइल मुझे कब देंगे. आई विल गिव यू सून, मैं आपको जल्द ही दूंगा. अब जो वर्ड सून है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये उस काम के बारे में बता रहा है, उसके वक्त के बारे में, टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कब देंगे, सून, जल्दी. व्हेन दे विल गो, वो कब जाएंगे. दे विल गो टुमारो, वो कल जाएंगे. अब टुमारो भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये उनके काम जो वो जाएंगे, ये काम है, एक वर्ब है, वो उसके टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कब जाएंगे, व्हेन, टुमारो, कल. व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो. आई एम कमिंग नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ. अब जो नाउ है, ये भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये मेरे काम के बारे में बता रहा है जो मैं कर रहा हूँ, कि कब कर रहा हूँ, अभी, यानी मैं अभी आ रहा हूँ. तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम थे जो वर्ब के टाइम के बारे में बताते हैं, यानी जो एक्शन हो रहा है, होता है, वो कब होता है, किस टाइम में होता है. तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं. एंड नाउ वी टर्न टू एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हेल्प अस टू एक्सप्रेस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, हाउ मच, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब है कि किस हद तक, यानी कोई चीज़ कितनी है या किस हद तक है, ये हमें बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. फॉर एग्जांपल, द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है. इस सेंटेंस में टी एक नाउन है और हॉट एक एग्जेक्टिव है जो इस नाउन टी को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो टी कैसी है, हॉट, तो ये हमारा एग्जेक्टिव है. अब देखें, That is extremely hot, चाहे बहुत गर्म है. अब यहाँ पर जो extremely है, ये हमारा adverb of degree है, क्यों, क्योंकि ये जो how much question है, उसके जवाब देने में हमारी help कर रहा है. For example, how much the tea is hot, चाय कितनी गर्म है. The tea is extremely hot, चाय बहुत गर्म है. अब देखें, जो भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, वो हमें हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट की कैटेगरी के क्वेश्चंस में जवाब देने के लिए मदद करते हैं.
अब देखें ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो हार्ट एक एडजेक्टिव था उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। पहले था दैट इज़ हार्ट, चाय गर्म है, लेकिन अब है दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्ट, चाय बहुत गर्म है। तो इसने आते ही एडजेक्टिव हार्ट की डिग्री को बढ़ा दिया। पहले था चाय गर्म है, लेकिन अब है चाय बहुत गर्म है, यानी डिग्री बढ़ गई। शी इज़ ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत है। अब इस सेंटेंस में शी एक प्रोनाउन है सब्जेक्ट, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो उस प्रोनाउन शी को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसी है, खूबसूरत है। अब देखें शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पर जो क्वाइट है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ा रहा है। पहले था कि वो खूबसूरत है, लेकिन अब है कि वो बहुत खूबसूरत है, यानी उसकी डिग्री बढ़ गई। नंबर थर्ड सेंटेंस, ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहा है। इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है प्रोनाउन, रनिंग मैन वर्ब है जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, और फास्ट यहाँ पर एक एडवर्ब है क्योंकि ये उस वर्ब रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, तो ये हमारा एडवर्ब हुआ। अब देखें ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। अब जो वेरी है ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये एक और एडवर्ब जो फास्ट है उसकी डिग्री में इजाफा कर रहा है, उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। पहले था कि वो तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन अब है वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। दैट मैच वॉज अ हिस्टोरिक मैच, वो मैच एक तारीखी मैच था। डेट यहाँ पर एक डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके फौरन बाद मैच जो नाउन है वो आ रहा है। अगर इसके फौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो हम इसे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कंसीडर करते। मैच यहाँ पर एक नाउन है और हिस्टोरिक एक एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये उस नाउन जो मैच है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो मैच कैसा था, हिस्टोरिक, तारीखी, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अब देखें डेट मैच वॉज एब्सोल्यूटली अ हिस्टोरिक मैच, वो मैच बिल्कुल एक तारीखी मैच था। अब यहाँ पर जो एब्सोल्यूटली है ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव हिस्टोरिक को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब की कौन सी टाइप है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। पहले था कि वो मैच तारीखी था, लेकिन अब है कि वो मैच बिल्कुल तारीखी मैच था। तो ये थे हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एंड नाउ वी टर्न टू फिफ्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ एन एडवर्ब, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम जो बार बार होता रहे। तो यही तो डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब दैट हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई काम, हाउ ऑफन का मतलब है कि कितनी बार, कब कब होता है, कि कोई काम कितनी बार होता है, कब कब होता है, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी वर्ब की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, यानी वो काम कब कब या कितनी बार होता है। फॉर एग्जांपल, हाउ ऑफन डू दे गो टू स्कूल, वो स्कूल कितनी बार जाते हैं, कब कब जाते हैं, उसका आंसर है दे ऑलवेज गो टू स्कूल, वो स्कूल हमेशा जाते हैं। अब जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्यों? क्योंकि ये उनके काम जो वो करते हैं यानी जाने का, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कब कब जाते हैं, ऑलवेज, हमेशा। हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, आप कितनी बार क्रिकेट खेलते हो, कब कब खेलते हो, आई यूजुअली प्ले क्रिकेट, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता रहता हूँ। तो यूजुअली भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो मेरे काम जो मैं करता हूँ यानी प्ले वर्ब है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि मैं कब कब करता हूँ, यूजुअली यानी अक्सर करता रहता हूँ। हाउ ऑफन डज ही रिसाइट होली कुरान, ये कुरान पाक की तिलावत कितनी बार करता है, कब कब करता है, ही ऑफन रिसाइट्स होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत अक्सर करता रहता है। तो ऑफन भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसके काम यानी जो वो करता है यानी रिसाइट, तिलावत का, तिलावत करना ये वर्ब है रिसाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है यानी ये काम कब कब करता है, ऑफन, अक्सर। हाउ ऑफन डज शी कुक बिरयानी, वो कब कब बिरयानी पकाती है, कितनी बार पकाती है, शी समटाइम्स कुक बिरयानी, वो कभी कभी पकाती है।
अब समटाइम्स भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसके एक्शन जो वो करती है यानी पकाने का कुक उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कब कब करती है, समटाइम्स कभी कभी। हाउ ऑफन डू यू ईट राइस, आप चावल कितनी बार खाते हो, कब कब खाते हो। आई ईट रेयरली, मैं बहुत कम खाता हूँ। अब रेयरली भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये मेरे काम जो मैं करता हूँ खाने का उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि मैं कब कब करता हूँ, कब कब खाता हूँ, कितनी बार खाता हूँ, बहुत कम, रेयरली। हाउ ऑफन डज शी वर्क, वो कितनी बार काम करती है, कब कब काम करती है। शी नेवर वर्क्स, वो कभी भी काम नहीं करती। अब जो नेवर है ये भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसके काम जो वो करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कितनी बार काम करती है, कब कब करती है, नेवर, कभी भी नहीं। तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थे। अब इन सब में एक कन्फ्यूजन रह जाती है कि जब हमें ये एक साथ दिए जाते हैं तो हम कैसे रिकग्नाइज़ करें कि कौन सा एडवर्ब किस टाइप का है, यानी किस काइंड का है, किस कैटेगरी में आएगा, यानी कौन सा एडवर्ब एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन रह जाती है और मैं आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। वो कैसे, आप जब भी देखें कि अगर कोई एडवर्ब जो क्वेश्चन है हाउ इसकी कैटेगरी में आए, फॉर एग्जांपल हाउ डज एन एक्शन हैपन, कोई काम कैसे होता है, अगर कोई एडवर्ब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई काम कैसे होता है हाउ, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और अगर कोई एडवर्ब ये दिखा रहा है कि कोई काम कहाँ होता है, वेयर, किसी प्लेस के बारे में बताए, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। और अगर कोई एडवर्ब हमें किसी काम के वक्त के बारे में बताए कि कोई काम कब होता है, कब हो रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, वेरी सिंपल। और अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की डिग्री को बढ़ाए, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। और अगर कोई एडवर्ब हमें किसी काम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए कि कोई काम कितनी बार होता है, कब कब होता है, तो वो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। आपको बस कुछ भी नहीं करना, आप इन तमाम कैटेगरीज़ को सामने रखें, फिर उन एडवर्ब्स को जिनको आप रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं उनको इनके साथ कंपेयर करें, फिर देखें कि वो एडवर्ब किस कैटेगरी में आता है, फिर जिस कैटेगरी में आए आप उसको उसमें रखें, वेरी सिंपल। तो इसके साथ हमारा आज का लेसन एंड होता है। आई होप कि आपने एडवर्ब के टाइप्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।